हेलो एंड वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। दिस इज मी चंचल कुमार शर्मा और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के क्रैश कोर्स की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और आप सभी को पता है आज हम लोग बात करने वाले हैं आज़ाद हिंद फौज के बारे में, इंडियन नेशनल आर्मी के बारे में, INA के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण ये संगठन था, ये फौज थी, ये सेना थी। और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में हम जितने भी अलग अलग माध्यम देखते हैं, स्वतंत्रता के प्राप्ति के तरीके देखते हैं, उसमें सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज का नाम भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से भारत में आज़ाद हिंद फौज की जो सेना है उसके द्वारा स्वतंत्रता के संघर्ष की लड़ाई लड़ी गई, स्वतंत्रता का संघर्ष जो हमारा ब्रिटिश के साथ चल रहा था उसमें इनका किस प्रकार से योगदान रहा, किस प्रकार से इनकी लड़ाई को इन्होंने अंजाम दिया और भारतीयों ने किस प्रकार से फिर बाद में प्रतिक्रिया दी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के बाद बारे में भी हम लोग बहुत सारी बातें अभी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं पिछले 6 सालों से UPSC और MPPSC के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूं और उज्जैन में मैनेजिंग डायरेक्टर हूं प्रतिज्ञा AS अकेडमी का। और अनअकेडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म आपको 1 साल और 2 साल के लिए अवेलेबल है। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर YouTube पर भी पढ़ाया जा रहा है तो अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने की क्या जरूरत है। देखिए, जो लोग नहीं ले सकते सब्सक्रिप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो लोग ले सकते हैं वो लोग ले, इसलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे यहाँ पर आपको जितने भी एजुकेटर पढ़ाते हो, हजारों स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं, तो आप लोग जब पढ़ते होंगे तो बहुत सारे आपके दिमाग में डाउट्स आते होंगे, क्वेरीज आती होंगी, प्रॉब्लम्स होती होंगी आपको। लेकिन आप जो एजुकेटर आपको पढ़ाता है वो पर्सनली आपको टाइम नहीं दे पाता, गाइड नहीं कर पाता। जब आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर जुड़ते हो तो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर लिमिटेड स्टूडेंट होते हैं और रियल टाइम इंटरेक्शन होता है, मतलब आप वास्तव में एजुकेटर्स के साथ जुड़ते हो, वो आपकी हेल्प कर पाता है क्योंकि वहाँ स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो अगर आप ले सकते हैं तो बेटर है कि आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें क्योंकि वहाँ पर इससे कहीं ज़्यादा आपको और भी फायदे मिलेंगे। जैसे जो एजुकेटर्स हैं उनके साथ आपका इंटरेक्शन तो बढ़िया होगा, आपके सारे डाउट्स जो भी होंगे वो सारे डाउट्स आपके पर्सनली क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। इसके साथ आपको नोट्स अवेलेबल कराए जाएंगे, ये सारी चीज़ें आपको सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पर। और जो बेनिफिट है, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा गारंटी के साथ, ऑप्शनल पेपर, GS का पेपर, प्रीलिम्स, मेंस, मॉक इंटरव्यू, ये सब कुछ आपको थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन पर फायदा मिल जाता है और वो भी कोई बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं। अगर आप 2 साल के लिए सब्सक्राइब करते हैं, मान लीजिए आपका 2021-22 UPSC का टारगेट है, तो आप अभी से अनअकैडमी को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने 2 साल या 3 साल की प्रिपरेशन आप अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको ये फायदा मिलेगा कि आप लोगों को शुरुआत में जो आप पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, साथ में आपका रिविजन भी हो जाएगा और आपको साथ साथ टेस्ट भी होते रहेंगे, टेस्ट सीरीज भी होती रहेगी, साथ साथ आपका इवेल्युएशन भी होता रहेगा। तो बेनिफिट्स जो है अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म के वो बहुत सारे हैं। और जैसे आप नॉर्मली आप देखते हैं ऑफलाइन क्लासेस में, ठीक है, आप GS की क्लासेस जाते हैं, फिर आपको ऑप्शनल की क्लासेस जानी पड़ती है, उसमें भी आपको आना जाने का टाइम वेस्ट होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पर आपका बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, आप अपने घर पर अपने बेड पर बैठ कर अपनी तैयारी कर सकते हैं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो आप लोगों को अवेलेबल हैं। 2 साल के लिए 48,000 रुपीज़ आपको पे करना होते हैं, लेकिन जैसे ही आप रेफर कोड यूज करते हैं, बस आपको हमेशा ये रेफरल कोड यूज करना है CKLIVE, जैसे ही आप ये यूज करेंगे आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है और आप लोगों को पे करना होता है 43,200, मतलब ये पूरे 2 साल के लिए 24 महीने, इसको डिवाइड करेंगे आप तो आप लोगों को ये 1,800 रुपये प्रति माह पड़ेगा मात्र। और EMI का ऑप्शन भी है, आप EMI से भी पे कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट में। तो घर बैठे UPSC सिविल सर्विसेज की तैयारी परफेक्ट तरीके से अगर आपको करना है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ, उसमें सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट भी आपको अवेलेबल है, लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग सेशन है, अगर आपका कोई सेशन छूट जाए तो आप रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, ऑफलाइन मोड में देख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है। जितने एजुकेटर है सबकी क्लासेस, सबके कोर्सेज आप लोग एनरोल जो है उसमें एनरोलमेंट अपना कर सकते हैं, ये सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और जैसे ही CKLIVE रेफर कोड यूज करेंगे 10% का डिस्काउंट प्लस आपकी सिलेक्शन तक आपको मेरा व्यक्तिगत मार्गदर्शन, पर्सनल गाइडेंस अवेलेबल होगा। मतलब कभी भी किसी भी तरह की समस्या आपको साथ आपको अगर आएगी स्ट्रेटेजी को लेकर, प्लानिंग को लेकर, प्रिपरेशन को लेकर, आई विल बी देयर विथ यू। और ये जो कोर्सेज हैं ये मेरे प्लस कोर्सेज हैं जो मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाता हूँ प्लस प्लेटफॉर्म पर, एक एक डाउट को आपके क्लियर करते हुए। तो ये आपको प्लस प्लेटफॉर्म पर CKLIVE रेफर कोड यूज करके एडमिशन लेना है।
ये पीडीएफ की लिंक है, जिन जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस पे, और ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप लोगों को लिंक के साथ साथ इंक्वायरी से जुड़ी हुई सारी चीजें मिल जाएंगी, ठीक है। तो आप लोग जब भी एडमिशन लें सीके लाइव रेफर कोड को यूज कीजिए, दूसरों को भी बताइए, किसी भी प्रकार का एडमिशन लेना हो, अकेडमी से जुड़ना हो, तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा सीके लाइव रेफर कोड से। हम बात कर रहे हैं आजाद हिंद फौज की। आजाद हिंद फौज का बैकग्राउंड और किस प्रकार की उस समय की पृष्ठभूमि या परिस्थितियां थी उससे पहले, ठीक है, उससे पहले हम दूसरी चीज के बारे में डिस्कस कर लें। हम पहले सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात कर लेते हैं। नेताजी के नाम से आप इन्हें सब जानते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस बहुत कम आयु में, ठीक है, भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष से जुड़ गए थे और एक महत्वपूर्ण सेनानी के तौर पर आप इन्हें जानते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि ये बहुत कम उम्र में 1920 के आसपास इन्होंने ICS की एग्जाम क्लियर किया था, ठीक है, बहुत मेधावी थे, बुद्धिजीवी थे और इंडियन सिविल सर्विसेज की एग्जाम को इन्होंने पास किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। लेकिन चूंकि ये अंग्रेजों की गुलामी नहीं करना चाहते थे, ठीक है, और ये अपने देश के लिए कुछ करना चाहते थे, सबसे बड़ी बात ये कि जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, उनका इनके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा था। मतलब विवेकानंद के सारे साहित्य को ऐसा कहा जाता है कि मात्र आप देखेंगे 15 वर्ष के, मात्र 15 साल की आयु में इन्होंने विवेकानंद का पूरा साहित्य पढ़ लिया था, उनको इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। उसके अलावा अरविंद घोष से भी प्रभावित थे, तो स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेना चाहते थे। 1920 के आसपास आपको पता है कि इन्होंने ICS क्लियर किया, फिर इन्होंने अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और इनकी माता जो थी प्रभावती, उन्होंने इनके इस्तीफे का समर्थन भी किया था। बाद में ये भारत आए और उस समय महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन चल रहा था। पहली बार इनकी मुलाकात महात्मा गांधी से हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान 1922 के आसपास, ठीक है, ये पहली बार मिले थे। और उसके बाद में फिर इन्होंने धीरे धीरे अपना जो स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान है वो देना शुरू किया। धीरे धीरे इनका कद बढ़ता गया, इनका प्रभाव बढ़ता गया, लोग इनसे आकर्षित होते गए। फिर उसके बाद जब स्वराज पार्टी की स्थापना हुई तो देशबंधु चित्रंजन दास जो है वो कलकत्ता के महापौर चुने गए थे। आपको पता है चित्रंजन दास मेयर चुने गए थे कलकत्ता के, तो उन्होंने सुभाष बाबू को वहां का CEO बनाया, ठीक है, वहां से इनकी काम की बहुत तारीफ हुई। तो ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। बाद में फिर आपने देखा होगा साइमन कमीशन आया, तो कलकत्ता में 1928 में कलकत्ता में साइमन कमीशन का विरोध करने में भी नेताजी आगे रहे, उनको उन्होंने नेतृत्व किया था वहां पर। बाद में जब नेहरू रिपोर्ट बनी, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ कि किस प्रकार से बर्केन हेड की चुनौती पर, है ना, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक नेहरू समिति बनी थी, तो उस नेहरू समिति के 9 सदस्यों में से सुभाष बोस भी एक सदस्य थे। मतलब नेहरू रिपोर्ट के निर्माण में भी इनका योगदान था। बाद में धीरे धीरे इन्होंने और ज्यादा अपना योगदान दिया, सरकार को समझ में आ गया, तो कई बार जेल यात्रा भी हुई। लगभग 11 बार सुभाष बाबू जेल भी गए, ठीक है, बहुत बार इन्होंने जेल में अपना काफी सारा समय बिताया। बाद में जब ये 1933 के आसपास 1933 के आसपास ये बीमार हुए तो अपने बीमारी के इलाज कराने के लिए यूरोप भी गए थे। तो 33 से 36 तक ये यूरोप में रहे और उस दौरान ये इटली में मुसोलिनी से भी मिले। आपको पता है कि उस समय जो फासीवादी ताकतें थी उसमें हिटलर के बाद मुसोलिनी का नाम दूसरा प्रमुख आता है, ये, ठीक है, मुसोलिनी से भी मिले। वहां काफी समय तक, 3 साल तक लगभग वहां पर ये रहे। बाद में जब वापस आए तो फिर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। आप सभी जानते हैं कि बाद में ये कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने और महात्मा गांधी के साथ इनके मतभेद भी हुए, ठीक है, मतभेद इस चीज को लेकर हुए कि जो सुभाष बाबू थे वो थोड़ा सा अलग प्रकार के माध्यम अपनाना चाहते थे। इनका मानना था कि हिंसा जरूरी है, जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन का चरित्र है, जिस प्रकार से इनका पूरा के पूरा औपनिवेशिक चरित्र है, इससे आप नहीं निपट सकते इस बिना हिंसा के। लेकिन महात्मा गांधी के विचार इनसे अलग थे, तो इनके बीच में थोड़े से मतभेद, या हम कहें सबसे बड़ी बात है रणनीति को लेकर, महात्मा गांधी और सुभाष बोस के बीच में रणनीति को लेकर काफी मतभेद रहे थे। बाद में फिर ये कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, फिर जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, महात्मा गांधी पट्टा भी सीता रमैया को बनाना चाहते थे। आप सभी जानते हैं पट्टा भी सीता रमैया को बनाना चाहते थे, तो ये चुने गए, इन्हें ज्यादा मत मिले। पहली बार बहुत समय बाद चुनाव हुए कांग्रेस में, लेकिन ये काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि इनको महात्मा गांधी उनके सहयोगियों से, या वर्किंग कमेटी थी जो कांग्रेस की,
उसे सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, सहायता नहीं मिल पा रही थी। तो सुभाष बाबू थोड़े अलग प्रकृति के इंसान थे, थोड़े से आत्मसम्मान वाले इंसान थे। इन्होंने रेजिग्नेशन दी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया, मुझे नहीं करना, मुझे कांग्रेस का अध्यक्ष रहना ही। ये कांग्रेस से इस्तीफा दे के अलग हो गए और फिर इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1939 में। आप सभी जानते होंगे बाद में इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो जब इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी तो कांग्रेस के अंदर रहकर ही की थी, मतलब कांग्रेस से अलग होकर नहीं की थी। लेकिन बाद में इनको और इनके सहयोगियों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया, फॉरवर्ड ब्लॉक वालों को कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। यहां तक की सारी चीजें हमें पता है। लेकिन इसके बाद 1939 के आसपास इनको गिरफ्तार कर लिया गया था, ब्रिटिश सरकार ने इनको कैद कर लिया था। ये जेल में थे उस समय, और जब ये जेल में थे तो इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। ठीक है, मैं आपको एक पूरी स्टोरी बता देता हूँ। इन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी और जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने इनको रिहा कर दिया और अपने ही घर में नजरबंद कर दिया। कलकत्ता में जो इनका घर था वहीं पर इनको घर में नजरबंद कर दिया और बाहर सैनिक बैठा दिए। लेकिन सुभाष बाबू बड़े चतुर थे, सुभाष बाबू एक पठान के वेश में वहां से बाहर निकल गए। मतलब ये भेष बदलकर पठान के भेष में ये अपने घर से बाहर निकल गए और वहां से मतलब अंग्रेजों को तो चकमा देने में कामयाब हो गए। फिर वहां से पेशावर गए, पेशावर से अफगानिस्तान गए, अफगानिस्तान से फिर फर्जी पासपोर्ट बनवाया, जाली नकली पासपोर्ट बनवा के एक इटालियन नागरिक के रूप में ये मॉस्को चले गए। रूस की जो राजधानी है वहां से ये मॉस्को चले गए और मॉस्को से होते हुए ये जर्मनी चले गए। ठीक है, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ बाद में। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आप सभी को पता है कि इस प्रकार से एक तरफ मित्र राष्ट्र थे और एक तरफ धुरी राष्ट्र थे। तो धुरी राष्ट्र में जर्मनी, इटली और जापान था जो कि ब्रिटेन के खिलाफ लड़ रहे थे। हम सभी को पता है कि ब्रिटेन मित्र राष्ट्रों में था, तो ब्रिटेन से हम भी लड़ रहे थे आजादी के लिए। उधर ब्रिटेन और जर्मनी और जापान और ब्रिटेन के बीच में भी ठीक है लड़ाई हमें देखने को मिलती है। तो चाणक्य बहुत पहले बोल के गए, एक सिद्धांत उन्होंने दिया था चाणक्य ने, और उस सिद्धांत को बोलते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है ना। तो सुभाष बाबू ने उसी रणनीति को आगे बढ़ाया और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये माना कि जब ब्रिटेन जर्मनी की, ब्रिटेन जापान की दुश्मनी चल रही है तो इनका सहयोग लेकर और हम भारत को आजाद करा सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तब इन्हें लगा कि हमारे पास क्या है, एक अपॉर्चुनिटी है, एक सुअवसर है कि हम क्या कर सकते हैं, हम जर्मनी और जापान जैसी शक्तियों की मदद लेकर और ब्रिटेन को क्या कर सकते हैं, भारत से बाहर कर सकते हैं, भारत को स्वतंत्र करा सकते हैं। कुल मिला के बस एक ही ठीक है अपने जीवन में बस एक ही इनके इसमें था कि सप्तांग सिद्धांत में तो वो सात, आप देखेंगे कि सात प्रकार के अंग हैं, राज्य के सात अंग होते हैं, इसको बोलते हैं मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत नहीं बोलते। चाणक्य का यह सिद्धांत कहलाता है मंडल सिद्धांत। अगर आप लोगों ने कभी पढ़ा हो चाणक्य का मंडल सिद्धांत आपने पढ़ा हो, तो उन्होंने बताया है कि किस प्रकार से एक अरि होता है और एक अरि मतलब शत्रु होता है, उसका एक दोस्त होता है। ठीक है, तो वो दोस्त का दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, ये मंडल सिद्धांत है चाणक्य का, सप्तांग सिद्धांत अलग है। फिर क्या हुआ, फिर आप देखेंगे कि इन्हें लगा कि किस प्रकार से ये समय है जो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं भारत को आजाद कराने। तो सुभाष बाबू ने उसके बाद फिर भारत को आजाद करने के लिए जर्मनी और जापान की सहायता लेने की कोशिश की, फिर उन्होंने प्रयास किए। बाद में वो लेकिन हिटलर से भी मिले वहां पर, आपको पता है हिटलर से भी मिले, लेकिन ज्यादा उनको वहां से कोई सहायता नहीं मिली। तो बाद में फिर वो वहां से मंडल सिद्धांत में आपको फिर कभी बताऊंगा, अभी थोड़ा सा ये हट जाएगा सब्जेक्ट हमारा, थोड़ा सा बीच में लिंक टूट जाएगी। आराम से किसी दिन आपको मंडल सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत सारे बता दूंगा मैं। ये विदेश नीति में बड़े काम के हैं। जब आप इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते हो, मैं आपको IRB पढ़ाऊंगा, इंटरनेशनल रिलेशन में चाणक्य बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आप सभी को पता है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया है किस प्रकार से छोटी छोटी चीजों के बारे में। तो जब मैं आपको IR पढ़ाऊंगा तब मैं आपको ये अच्छे से बताऊंगा, सप्तांग सिद्धांत और इसके साथ साथ जो मंडल सिद्धांत वगैरह। फिर ये जर्मनी में हिटलर से मिले और वहां से हिटलर से फिर मिलके और फिर आगे बढ़ते हुए ये सिंगापुर तक पहुंचे जापान होते हुए। तो ये सारा एक हमने एक बैकग्राउंड देखा। और उसी समय आपको पता है कि दिल्ली बम कांड के आरोपी रास बिहारी बोस, ठीक है आप सभी जानते हैं, हार्डिक के ऊपर बम फेंकने के आरोप था इनके ऊपर, तो ये जापान चले गए थे।
और ये वहां पर भारत के लिए, मतलब जो भी व्यक्ति आप देखते हो उस समय भारत के लिए स्वतंत्रता में संघर्ष कर रहा था या भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था, वो अपनी तरफ से सब तरह की कोशिश करता था। जब राज बिहारी बोस जापान गए तो इन्होंने वहां पर भारतीयों को एकजुट करना शुरू किया। ऐसे भारतीय जो विदेशों में रह रहे थे, ठीक है, उनको एकजुट करना इन्होंने शुरू किया था, तो ये अपनी कोशिशें जारी रख रहे थे। ये थे साथ में मोहन सिंह थे, ठीक है, इन सबके प्रयासों से आजाद हिंद फौज, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की गई थी। आजाद हिंद फौज जब आप देखते हो ना, तो आपको ये समझ में आना चाहिए सबसे पहले तो कि आजाद हिंद फौज के दो चरण है, ठीक है, दो चरण है इसमें। पहले, सबसे पहला जो आजाद हिंद फौज का विचार है वो कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, ये भी आपने पढ़ा होगा। आजाद हिंद फौज का विचार सबसे पहले कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था, और पहला चरण वही था जब राज बिहारी बोस, कैप्टन जो है मोहन सिंह, और इन्होंने आजाद हिंद फौज की स्थापना की। लेकिन बाद में जो हम देखेंगे थोड़ी देर में, कुछ कारण रहे कि वो खत्म हो गई, वो मृतप्राय हो गई, वो भंग हो गई। इसका दूसरा चरण तब शुरू होता है जब नेताजी सिंगापुर गए और नेताजी ने फिर से उसका पुनर्गठन किया। तो आजाद हिंद फौज के हम लोग दोनों चरणों के बारे में भी बात करेंगे, फिर हम लोग इसके आगे की कार्रवाई के बारे में देखेंगे। बैकग्राउंड आपको समझ में आ गया, अब हम बात करते हैं इसके आगे की। तो सुभाष बोस जो थे, इनकी रणनीति अलग थी, इनका तरीका अलग था। हालांकि महात्मा गांधी और इनके दोनों के लक्ष्य एक थे, पर इनकी रणनीति में बहुत अलग मतभेद था। उनका यह दृढ़ विश्वास था, ये मानना था कि सशस्त्र संघर्ष, मतलब हथियारों के दम पर ही भारत को स्वतंत्र कराया जा सकता। इन्होंने कहा भी था कि यदि आपको ऐसा लगता है कि आपको अंग्रेज ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, मतलब अंग्रेज आपके प्रार्थना, आपके रिक्वेस्ट पर, आपके अहिंसा के माध्यम से अंग्रेज आपको छोड़ देंगे, तो आप गलत फहमी में हो। इसके लिए आपको हिंसा का सहारा लेना ही पड़ेगा, और ये सशस्त्र संघर्ष ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा आप भारत को क्या करा सकते हो, आजाद कर। सबसे पहली चीज यहीं से आप शुरुआत करिए। इनका दृढ़ विश्वास था कि आप जिस तरीके के तरीके अपना रहे हो भारत को आजाद कराने के लिए, तो पॉसिबल ही नहीं कि अंग्रेज ऐसे छोड़ देंगे आप, क्योंकि अंग्रेजों का भारत में इतिहास ही यही रहा है कि उन्होंने बंदूक के दम पर शासन किया है, अन्याय और शोषण पर आधारित उनका शासन रहा है। वो कोई गांधीवादी सिद्धांत पर थोड़े ना चलते हैं जो वो आपकी बात मान लेंगे। तो सशस्त्र संघर्ष क्या है, एकमात्र तरीका है। और 1920 से 30 के दशक में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कट्टरपंथी दल के नेता रहे। अब ये भी आपको पता है, अरविंद घोष से प्रभावित रहे हैं, लाला लाजपत राय से प्रभावित रहे हैं, तो कट्टरपंथी दल के ये नेता रहे। उसके बाद 38-39 में कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने। आपको पता है बाद में पहली बार तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, दूसरी बार लेकिन मतभेद हुए, तो महात्मा गांधी और कांग्रेस के साथ जब मतभेद हुए तो फिर इनको हटा दिया गया। और अभी मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड ब्लॉक की फिर इन्होंने स्थापना की थी। ये सब आपको मैंने स्टोरी पूरी बता दी। उसके बाद मैंने बताया कि इनको जेल में बंद कर दिया गया, और वहां से ये भूख हड़ताल पर बैठे कलकत्ता के घर में इनको नजरबंद किया गया। छिपते छिपाते जैसे तैसे ये रूस होते हुए जर्मनी गए, और फिर जर्मनी होते हुए दक्षिण पूर्वी एशिया में आए। उसके बाद आपको पता है वर्ष 1943 में इन्होंने सिंगापुर में आजाद हिंद के रूप में भारत की एक स्वतंत्र भारत की एक अस्थायी सरकार भी बनाई, जो अभी हम देखेंगे। इसको आजाद हिंद सरकार भी कहा जाता है, इसकी घोषणा इन्होंने की थी। और बड़ी बात यह थी कि लगभग 11 देशों ने इसका समर्थन भी किया था, ठीक है, जापान, जर्मनी, इटली, सोशल रिपब्लिक जो था, इन्होंने सब ने इसका समर्थन भी किया था। बहुत सारे देशों ने इनकी सरकार का समर्थन भी कर दिया था। इस सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी ने द्वितीय विश्व युद्ध के उत्तरार्ध के दौरान निर्वासन में अस्थायी सरकार के ध्वज के तहत ब्रिटिश शासन से भारत को मुक्त करने के लिए संघर्ष शुरू किया था। ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं आजाद हिंद फौज को। तो मैंने आपको बताया कि आजाद हिंद फौज के दो चरण है। पहला चरण हमें दिखाई देता है मोहन सिंह, निरंजन गिल, राज बिहारी बोस, इनके नेतृत्व में। तो देखिए, पहले चरण में क्या हुआ था कि अभी राज बिहारी बोस ये दिल्ली बम कांड के आरोपी थे, ये जापान चले गए थे, तो ये थे। इधर मोहन सिंह थे, ये अंग्रेज सेना में अधिकारी हुआ करते थे, निरंजन गिल थे। इन सब ने टोक्यो में एक सम्मेलन किया था। जितने भी विदेश में प्रवासी भारतीय रह रहे थे, जो भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे, उन लोगों को लेकर इन्होंने मार्च 1942 को एक
आर्मी का, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। तो सबसे पहले मार्च 1942 में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया, कैप्टन मोहन सिंह, वो इंसान जिसके दिमाग में पहली बार विचार आया था ऐसी एक सेना का जिसके द्वारा हम लोग अंग्रेजों से लड़कर भारत को आजाद करा सकते, तो आईएनए का गठन किया गया। और सबसे बड़ी बात यह कि जो जापान था, जापान भी चूंकि ब्रिटिश के खिलाफ था, तो जापान की सरकार ने, ठीक है, जापान की सरकार ने क्या किया, इनको सहयोग किया, सपोर्ट किया। और जो युद्ध बंदी थे, कई सारे भारतीय युद्ध बंदी थे, जापान की सरकार ने उनको रिहा कर दिया, ठीक है, ताकि वो इनके साथ शामिल हो सके। जापान तो चाहता ही था, इसमें जापान का भी हित है कि भाई अगर ये लोग भी भारत में ब्रिटिश के खिलाफ जापान का साथ देते हैं तो जापान को तो फायदा ही था। तो जापान ने अपने कई सारे युद्ध बंदी भारतीयों को रिहा कर दिया ताकि वो इनके साथ मिले, ठीक है। और धीरे धीरे इनकी क्या हुई, एक बड़ी सेना तैयार होने लगी, लगभग 60,000 सैनिकों की एक टुकड़ी इन्होंने तैयार कर ली, बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद में हुआ बैंकॉक सम्मेलन, बैंकॉक सम्मेलन भी महत्वपूर्ण है। ये हुआ था जून 1942, मतलब जिस समय मैंने आपको बताया टोक्यो सम्मेलन हुआ था, टोक्यो सम्मेलन के बाद में बैंकॉक सम्मेलन हुआ था। और इस बैंकॉक सम्मेलन में जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, राज बिहारी बोस ने, इस बैंकॉक सम्मेलन में आजाद हिंद फौज की विधिवत स्थापना हुई। मतलब अभी हमने क्या देखा, अभी हमने देखा था कि पहले ही आजाद हिंद फौज या इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया जा चुका था, लेकिन ये विधिवत ऑफिशियली जो है ये स्थापना हुई थी कब, 1942 में जून में बैंकॉक सम्मेलन। काफी सारे लोग यहाँ पर आए थे और बहुत सारे प्रवासी भारतीय अलग अलग देशों से भी आए थे। तो इस प्रकार से इंडियन नेशनल आर्मी का गठन फाइनली औपचारिक रूप से हो गया। लेकिन इसके बाद इन्होंने सोचा कि इसको और अगर धार देनी है तो हम नेताजी को बुलाए, मतलब जो सुभाष चंद्र बोस थे उनको पूर्वी एशिया में बुलाया जाए, ठीक है। तो इंडियन नेशनल आर्मी का विधिवत गठन हो चुका था, पर इसके साथ एक समस्या हो गई। अब ध्यान से समझना क्या समस्या हुई है, आपको मैं क्लियर कर दूंगा, प्रॉब्लम हो गई है। प्रॉब्लम ये हुई कि जापान की सरकार या जापान जो चाहती थी सेना थी, वो चाहती थी कि आजाद हिंद फौज जो है वो बस एक प्रतीक के रूप में रहे। किसके रूप में रहे, प्रतीक के रूप में। और अधिक से अधिक 2000 सैनिक, अधिक से अधिक 2000 सैनिक उनके पास होना चाहिए। समझ में आया, मतलब जापान की सेना का ये मानना था कि आजाद हिंद फौज कोई बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करे, बस ये प्रतीक का काम करे, ठीक है। लेकिन इस तरफ आप देखोगे जो राज बिहारी बोस थे या आजाद हिंद फौज के नेता थे, ये एक बड़ी भूमिका चाहते थे, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहते थे, पर जापानी इनको बराबरी की भूमिका नहीं देना चाहते। तो इस आजाद हिंद फौज की, ये जो इंडियन नेशनल आर्मी है, इस आईएनए की भूमिका लेकर, किसको लेकर, इसके रोल को लेकर जापान और इनके बीच में मतभेद हो गए। समझ में आ रहा है आपको, क्या हो गया, जापानी सेना और आजाद हिंद फौज के अधिकारियों में क्या हो गए, मतभेद हो गए, थोड़ा सा लड़ाई हो गई आजाद हिंद फौज की भूमिका को लेकर। अब जापान की सरकार ने क्या किया, जो राज बिहारी बोस, मोहन सिंह थे, इनको गिरफ्तार कर लिया, मतलब आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया। जापान जब मतभेद बढ़े तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया और धीरे धीरे ये क्या हो गई, ये सेना भंग हो गई, मतलब ये निष्क्रिय हो गई। और इसी के साथ आजाद हिंद फौज का पहला चरण खत्म, क्लियर हो गया। तो जून 1942 में इसकी विधिवत स्थापना हुई और उसी साल 1942 में क्या हो गया, जापान की सेना के साथ मतभेद होने के कारण क्या हुआ, आजाद हिंद फौज को भंग हो गई, इनके नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। ये आप में से कई लोग जानते होंगे, कईयों को नहीं पता होगा। तो पहला चरण खत्म हुआ। इसके बाद इसका दूसरा चरण कब शुरू हुआ, जब फाइनली बाद में सुभाष चंद्र बोस जून 1943 में नेताजी टोक्यो और उसके बाद में सिंगापुर पहुंचे। मैंने अभी बोला आपको कि वो मास्को से होते हुए जर्मनी गए थे और जर्मनी के बाद फिर वो जापान होते हुए सिंगापुर आ गए। अब आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित करने की, वापस से इस संगठन को फिर से खड़ा करने की जिम्मेदारी नेताजी को दी गई। और नेताजी चूंकि एक कुशल नेतृत्वकर्ता थे, बड़े नाम थे, इनको अच्छे से जानते भी थे, तो ये इसमें सफल भी हो गए।
तो इन्होंने आजाद हिंद फौज को पुनर्गठित किया और इसके प्रमुख बने। ठीक है, तो ये दूसरा चरण हमारे आजाद हिंद फौज का फिर से शुरू हुआ, इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा चरण यहां शुरू हुआ। उसके बाद 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर, 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने एज अ सुप्रीम कमांडर, एज अ सुप्रीम कमांडर नेताजी ने इस सेना को संबोधित किया और दिल्ली चलो का नारा दिया। ठीक है, यहीं से शुरुआत होती है इनकी संघर्ष की, इनके युद्ध की। उन्होंने इनको दिल्ली चलो का नारा दिया, उन्होंने इनको प्रेरित करने के लिए यह भी कहा कि आप मुझे बस अपने जीवन का जो महत्वपूर्ण अभी हिस्सा चल रहा है, आप अपने मुझे अपना जीवन दीजिए, मैं आपको आजादी दूंगा। जैसे भाई तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मतलब आप बलिदान के लिए तैयार रहिए, आप बलिदान के लिए तैयार रहिए और आप ये मानिए कि कल हमारा होगा और हम देश को आजाद कराने में सफल होंगे। इसके बाद इन्होंने एक आजाद हिंद रेडियो भी हुआ करता, ठीक है, आजाद हिंद रेडियो से एक संदेश भी जारी किया और महात्मा गांधी से आशीर्वाद भी प्राप्त किया, आशीर्वाद भी लिया। और इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता, पहली बार इन्होंने, जैसे आपको पता है महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता इन्होंने ही कहा था, इन्होंने कहा कि राष्ट्रपिता, देश को आजाद कराने के संघर्ष में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहिए। ठीक है, अगर आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ रही तो हम अपने लक्ष्य में जरूर सफल होंगे और हम देश को आजाद करा पाएंगे। तो ये रेडियो से इन्होंने एक संदेश भी जारी किया था और इन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि किसी भी प्रकार से मुझे सत्ता का लालच नहीं है, भले मैंने सरकार बना ली है अस्थाई सब कुछ, लेकिन मुझे सत्ता का, पद का लालच नहीं है, मैं सिर्फ देश को आजाद कराना चाहता हूं और इसके लिए मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, शुभकामनाएं चाहिए, वेल विशेस चाहिए। इज दैट क्लियर? तो सुभाष बोस ने धीरे धीरे अपनी सेना को संगठित करना शुरू किया और धीरे धीरे सेना बढ़ती चली गई। ठीक है, इसके बाद देखिए आजाद हिंद सरकार की भी इन्होंने वहां पर गठन किया। 21 अक्टूबर ये डेट है सबसे मेन डेट। अभी आपने देखा 2018 में इसको 75 साल कंप्लीट हो गए, इसको 75 साल कंप्लीट हो गए जब नेताजी ने सिंगापुर में एक आजाद हिंद की अस्थाई सरकार बनाई थी। तो आजाद हिंद सरकार की 75 साल पूरे होने की उपलक्ष्य में, ठीक है, पीबी 2018 में पहली बार ऐसा हुआ कि 15 अगस्त के अलावा हमारे किसी प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से तिरंगा फहराया। सबको पता होगा 2018 में 75 साल इसके पूरे हुए जब, तो 21 अक्टूबर 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लाल किले से तिरंगा फहराया था। पहली बार हुआ था कि 15 अगस्त के अलावा ऐसा कभी हुआ। तो नेताजी सुभाष बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को क्या किया था, ठीक है, 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर के कैथे हॉल में अपनी एक अस्थाई नाम दिया गया था, क्योंकि इसका उद्देश्य सिर्फ देश को आजाद कराना, एक आजाद हिंद की अस्थाई सरकार बनाने की इन्होंने घोषणा की और इस प्रकार से इन्होंने सरकार बनाई। अब सरकार बनी है तो आपको पता है कि उसमें पद भी होते हैं, तो इस सरकार के राष्ट्रपति भी यही बने, प्रधानमंत्री भी यही बने और सेना अध्यक्ष भी यही बने। ये सरकार भारत की स्वतंत्र सरकार मानी गई, मतलब भारत के बाहर उस समय, ठीक है, उस समय भारत में तो ब्रिटेन का राज था और हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, तो हमने अपनी एक सरकार कहां बनाई, हमने अपनी एक सरकार भारत के बाहर बनाई, इस प्रकार से समझिए। ये एक स्वतंत्र सरकार थी और अस्थाई सरकार थी, इसीलिए इसको कहा गया आजाद हिंद सरकार। इस सरकार के राष्ट्रपति भी नेताजी स्वयं बने, प्रधानमंत्री भी वही थे और सेना अध्यक्ष भी वही थे। इसके साथ सरकार में अलग अलग विभाग भी होते हैं, आपको पता है, क्योंकि वित्त, वित्त वो चीज है जिसके बिना कोई देश, कोई शासन, कोई व्यवस्था नहीं चल सकती। तो इसका वित्त विभाग एसी चटर्जी को दिया गया, इसका प्रचार विभाग एस ए अय्यर को दिया गया और इसका महिला संगठन वो लक्ष्मी स्वामीनाथन को दिया गया। लक्ष्मी स्वामीनाथन एक बड़ा नाम है, आपको पता है, लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन एक बड़ा नाम है हमारे आजाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ। तो अब आपको पता है कि इस सरकार में हमें क्या समझना है, इसके वित्त विभाग के प्रमुख कौन थे, एसी चटर्जी, प्रचार विभाग के कौन थे, एस ए अय्यर, ठीक है, और लक्ष्मी सहगल, लक्ष्मी स्वामीनाथन क्या थी, इसकी महिला संगठन की प्रमुख थी। तो ये क्या हुआ, ये हमारी एक सरकार थी जो उस समय देश के बाहर बनी थी। और अभी मैंने आपसे बोला कि इस सरकार को
जैसे कई बार हम देखते हैं ना कि कोई नया देश बनता है और वो नया देश बनता है तो बहुत सारे देश उसको समर्थन दे देते हैं, ठीक है, समझ में आया, बहुत सारे लोग उसको समर्थन दे देते हैं। तो इस सरकार को जापान, ठीक है, जापान, इटली, जर्मनी, चीन, कोरिया, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने अपना समर्थन दिया था, या हम कहें मान्यता भी इसको मिल चुकी थी, मतलब इसको भारत की सरकार के रूप में उन्होंने स्वीकार कर लिया था, जापान, इटली, जर्मनी जैसे देशों ने, ठीक है। अब क्या हुआ, अब ये सरकार भी बन गई। इस सरकार ने, जैसे ही सरकार बनी, इसके बाद 25 अक्टूबर, सरकार कब बनी, 21 अक्टूबर को, ठीक 4 दिन बाद सुभाष बोस ने इस सरकार की तरफ से ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जैसे उस समय मित्र राष्ट्रों के साथ धुरी राष्ट्रों का युद्ध चल ही रहा था, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस सरकार के, आजाद हिंद सरकार का युद्ध है किसके तरफ, ब्रिटेन और अमेरिका। अब ये एक बड़ी विचित्र स्थिति है, समझिए, एक विचित्र स्थिति यहां पर आपको दिखाई देगी। इंटरेस्टिंग बात मैं बताता हूं, एक तरफ ब्रिटेन ने घोषित कर दिया कि भारत का जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा है, ठीक है, एक तरफ युद्ध में क्या बोला गया, ब्रिटेन ने क्या घोषित कर दिया बिना भारतीयों की सहमति के, कि भारत का जर्मनी के साथ युद्ध चल रहा है और भारत ब्रिटेन की तरफ से लड़ रहा है, मतलब भारत मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा है। वहीं भारत की एक सरकार ने क्या बोल दिया, नहीं, हमारा युद्ध तो ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ चल रहा है। तो इंटरेस्टिंग सी चीज समझ में आ रही है आपको, क्या हुआ, एक तरफ तो भारत जर्मनी के खिलाफ भी लड़ रहा है और दूसरी तरफ भारत ब्रिटेन के खिलाफ भी लड़ रहा है। तो इस सरकार ने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, क्योंकि ये जापान के सहयोग से चल रही थी, इसमें जापान के काफी सारे जो है लोग, सेना के द्वारा मदद दी गई थी, इनको संसाधन दिए गए थे, क्योंकि वो चाहते थे भारतीयों का सहयोग, ठीक है। जिस प्रकार से हमने देखा कि मित्र राष्ट्र भारतीयों का सहयोग चाहते थे धुरी राष्ट्रों के खिलाफ, ठीक है, उसी प्रकार से आप देखिए कि ये राष्ट्र, इनका सहयोग चाहते थे ब्रिटेन के खिलाफ, तो जापान के द्वारा काफी सहयोग किया गया। और जापान ने इवन यहां तक कि जापान ने अपने कब्जे के, जो उस समय उसके पास कब्जे में थे, अंडमान और निकोबार, सिंगापुर भी जापान के ही कब्जे में था, सिंगापुर में जहां सरकार बनाई गई वो भी जापान के ही कब्जे में था, और अंडमान और निकोबार जो हमारे द्वीप हैं ये उस समय जापान के कब्जे में थे, वो भी उन्होंने इसको सौंप दिए, ठीक है। अंडमान और निकोबार द्वीप भी, ये दोनों द्वीप आजाद हिंद फौज की सरकार को सौंप दिए गए, और जब ये इनके पास आए तो इन्होंने नाम भी इसका अलग रख दिया, अंडमान का नाम शहीद द्वीप रख दिया और निकोबार का स्वराज द्वीप कर दिया गया, दोनों को नाम भी बदल दिया, शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप, ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। एक एक चीजें क्लियर करते हुए हम लोग जा रहे हैं। हमने अभी तक समझ लिया किस प्रकार से सरकार बनी, किन परिस्थितियों में बनी, उसके बाद हमने देखा कि किस प्रकार से इसने ब्रिटेन और अमेरिका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और जापान का सहयोग मिल रहा था, जापान ने अपने कब्जे के द्वीप इनको दे दिए, इन्होंने उसको शहीद और स्वराज द्वीप बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस फौज ने, आजाद हिंद फौज ने जब युद्ध लड़ा फिर, तो इसने अपनी ब्रिगेड बनाई, कई सारी ब्रिगेड बना ली, अपनी अलग अलग ब्रिगेड बनाई, एक ब्रिगेड का नाम महात्मा गांधी ब्रिगेड रख दिया, एक ब्रिगेड का नाम अब्दुल कलाम आजाद जो है ब्रिगेड रख दिया, एक का नाम जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड रख दिया, एक का रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड रख दिया, एक का सुभाष ब्रिगेड रख दिया, जिसके कैप्टन खुद शाहनवाज खां थे। तो अलग अलग ब्रिगेड भी बना दी, जैसे हम लोग सेना में देखते हैं ना, अलग अलग ब्रिगेड होती है, ब्रिगेड का प्रमुख ब्रिगेडियर होता है ना, ब्रिगेडियर वो ब्रिगेड का प्रमुख होता है। तो अलग अलग क्या कर दी गई, अलग अलग यहाँ पर ब्रिगेड बना दी गई। उस प्रकार से ये सेना अपने आप में, जैसे आज हम देखते हैं, एक सेना के रूप से पूरी तैयार थी, ठीक है, एक सेना की ही तरह काम कर रही थी। उसके बाद 4 फरवरी 1944 को ये रंगून पहुंचे, म्यांमार में आए, ठीक है, वहां पर ब्रिटिश के साथ युद्ध हुआ, रंगून का युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ, ब्रिटिश सेना को पीछे हटना पड़ा मार्च में, ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश सेना को, जापानियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सेना को परास्त किया, और उसके बाद, ठीक है, मार्च के बाद में 1944 में इन्होंने भारत की धरती पर कदम रखा, ठीक है, फिर ये नागालैंड आए, वहां पर इनकी लड़ाई हुई, कोहिमा में इनकी लड़ाई हुई अंग्रेजों के साथ, 14 अप्रैल 1944 को मणिपुर के मोरांग नामक जगह पर इन्होंने तिरंगा फहराया, मतलब धीरे धीरे इनको सफलता मिलती जा रही थी। तो जैसे जैसे जापान आगे बढ़ता जा रहा था, जापान सफल होता जा रहा था, उसी समय आप देखेंगे कि
सुभाष बोस और आजाद हिंद फौज को भी सफलता मिलती जा रही थी। लेकिन उसके बाद में एक गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ क्या हो गई, गड़बड़ ये हो गई कि जापान ने पर्ल हार्बर पर आपको पता है अटैक कर दिया। एक गलती उसने कर दी कि उसने अमेरिका के एक नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया, और उसके बाद अमेरिका ने जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। और फिर आपको पता ही है कि बस दो बम का मामला रहा, बस ठीक है, दो ही बम का सारा खेल हो गया। दो बम में अमेरिका ने जापान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और ये आजाद हिंद फौज के लिए एक बड़ा झटका था। जब जापान ने घुटने टेक दिए, जब जापान परास्त हो गया, जब जापान हार गया, तो फिर इधर आजाद हिंद फौज के आगे बढ़ने के चांसेस समाप्त हो गए। ये अच्छे जा रहे थे, सही जा रहे थे, सब कुछ सही हो रहा था, और अचानक से एक गलती, ठीक है, कई बार हम देखते हैं कि एक एक गलती हमारे बहुत सारे आगे सारे बड़े बड़े जो हमारे सपने हैं, हमारे जितने भी बड़े प्लानिंग है, रणनीति है, सबको फेल कर देती है। हिटलर भी सही जा रहा था, जिसने द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ा होगा तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़े हुए व्यक्ति अच्छे से जानते होंगे कि हिटलर भी बढ़िया काम कर रहा था, हिटलर भी अच्छा जा रहा था। उसने गलती क्या कर दी, उसने रूस पर हमला किया। जब तक उसने रूस पर हमला नहीं किया, रूस भी हिटलर के साथ था, और हिटलर ब्रिटेन में फ्रांस में अपने झंडे गाड़ रहा था, ऑलमोस्ट यूरोप में हिटलर ने अपने झंडे गाड़ दिए थे, और ऐसा लग रहा था कि बड़े आराम से वो युद्ध जीत जाएगा। एक गलती हिटलर को ले डूबी, और वो एक गलती थी कि उसने रूस पर आक्रमण किया, क्योंकि उसके बाद हिटलर के बुरे दिन शुरू हो गए। इधर हिटलर के बुरे दिन युद्ध में शुरू हुए जब उसने रूस पर आक्रमण किया, और दूसरी तरफ आप देखिए कि जापान के बुरे दिन शुरू हुए जब उसने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे पर हमला कर दिया। तो इस प्रकार से जापान हिरोशिमा और नागासाकी पे जब बम गिराए गए तो जापानियों की पराजय हुई, और उसी के साथ आजाद हिंद फौज को भी पराजय का सामना करना पड़ा। ये पूरी स्टोरी यहां तक थी। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आप सभी जानते हैं कि आजाद हिंद फौज के जो सैनिक और अधिकारी थे, तो आजाद हिंद फौज के सैनिक और अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया अंग्रेजों ने। 1945 में इनको गिरफ्तार कर लिया, इनको भारत लाया गया, ठीक है, इन्हें भारत लाया गया। और उसके बाद में लाल किले में, सबको पता है कि लाल किले में नवंबर 1945 में मुकदमा, देखो द्वितीय विश्व युद्ध के बहुत सारे कारण थे। सबसे पहले तो आप लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध पढ़ोगे ना, वो एक अलग टॉपिक है, हालांकि फिर भी आपको एक शॉर्ट में बता देता हूँ। वैसे तो द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों में जब आप जाओगे तो आप देखोगे कि किस प्रकार से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जब जर्मनी के साथ में, है ना, बहुत अन्याय किया गया, वर्साई की संधि की गई, तो जर्मनी का आत्मगौरव आहत था, जर्मनी उससे बहुत ज्यादा परेशान था और वो बदला लेना चाहता था। ये वही समय था जब हिटलर का उदय हुआ, और हिटलर का जब उदय हो रहा था तो जो मित्र राष्ट्र थे, सबसे बड़ी बात है, अमेरिका और ब्रिटेन फ्रांस, ये चुपचाप देखते रहे, ये चुपचाप देखते रहे, क्योंकि ये चाहते थे, ये हिटलर का उपयोग रूस के खिलाफ चाहते थे। रूस एक साम्यवादी समाजवादी देश था और ये पूंजीवादी थे, तो ये चाहते थे कि हिटलर और ज्यादा शक्तिशाली बने जानबूझकर, ताकि वो रूस के खिलाफ इसका इस्तेमाल कर सके और समाजवादी विचारधारा को नष्ट किया जा सके। तो हिटलर को तुष्टीकरण की नीति ने क्या किया, आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित, तो हिटलर लगातार शक्तिशाली होता गया और ये लोग चुप बैठे रहे। तो ये बहुत सारे ऐसे कारण थे जिससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। लेकिन पहली जो सब जो एक तात्कालिक कारण था वो पोलैंड पर आक्रमण, जब नाजी जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद ब्रिटेन और फ्रांस मजबूर हो गए कि अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, और उन्होंने हिटलर के खिलाफ युद्ध की घोषणा की, और फिर जर्मनी के साथ उन्होंने विश्व युद्ध शुरू किया। धीरे धीरे बाकी लोग भी शामिल हो गए, और ये अपने आप में वर्ल्ड वॉर बन गया। ये सब मैं आपको वर्ल्ड वॉर में पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब मैं आपको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत डीप में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, औद्योगिक क्रांति, ठीक है, रूस का जो विघटन हुआ, पतन हुआ, शीत युद्ध, सब कुछ पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको मैं बता दूं कि इनके ऊपर मुकदमा चलाएगा। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। आप लोग समझ गए होंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाला मामला भी, और उसके बाद मुकदमा चलाया गया लाल किले में इनके ऊपर। और कौन थे मुख्य अभियुक्त, मुख्य अभियुक्त थे कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खां। तो कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो और मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया इनके ऊपर, ठीक है, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। इसके बाद सर तेज बहादुर सप्रू,
ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, अरुणा आसफ अली, के एन काटजू, इन सब ने किसके नेतृत्व में, भूला भाई देसाई, ये नाम जरूर याद रखो, किसके नेतृत्व में, भूला भाई देसाई के नेतृत्व में दलीलें दी, इनका पक्ष रखा, मतलब इनके पक्ष में, आजाद हिंद फौज के अधिकारियों के पक्ष में इन्होंने केस लड़ा। इसके बाद इनके तमाम दलीलों के बावजूद, इन्होंने इतने दलीलें दी, इतना पक्ष रखा, सब कुछ हुआ, लेकिन फिर भी इनको फांसी की सजा, आजाद हिंद फौज के जो ये अधिकारी थे, इनके जो अभियुक्त थे, इनको फांसी की सजा सुनाई गई। और जब जब इनको फांसी की सजा सुनाई गई, पूरा देश आक्रोशित हो उठा, गुस्सा उठा, आग बबूला उठा। क्योंकि मैं आपको पहले कल बता चुका हूं कि किस प्रकार से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, भारत छोड़ो आंदोलन में किस प्रकार से जनता ने बहुत हिम्मत के साथ, वीरता के साथ अंग्रेजों का सामना किया था और अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो कहीं ना कहीं भारत छोड़ो आंदोलन का एक, हम कहें ना कि वो गर्मी किसकी है, ये गर्मी भारत छोड़ो आंदोलन की थी कि अब भारत के लोगों को अंग्रेजों से डर नहीं लगता था। ठीक है, अब अंग्रेजों से वो डरते नहीं थे, उनमें एक आत्मविश्वास आ चुका था अंग्रेजों के खिलाफ। तो भारत छोड़ो आंदोलन ने बहुत बड़ा भूमिका निभाई थी। तो जैसे ही आजाद हिंद फौज के अधिकारियों को फांसी हुई और उसके बाद में, ठीक है, उसके बाद में इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई, नारे लगाए गए, और नारे क्या, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो। मतलब ऐसे नारे की, जिससे पता चलता है, आप लोग इस नारे से ही समझ सकते हो कि क्या मनोस्थिति रही होगी उन लोगों के दिमाग में, क्या चल रहा होगा, लाल किले को ही तोड़ दो, ठीक है, लाल किले को तोड़ दो, आजाद हिंद फौज को छोड़ दो, जैसे नारे लगाए गए। और उसके बाद सब प्रतिक्रिया, क्योंकि अंग्रेज अब नहीं चाहते थे कि वापस से कोई ऐसा भारत छोड़ो जैसा कोई आंदोलन हो जाए, फिर से कोई परेशानी हो, तो जो वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड वेवेल ने क्या किया, अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया। और आज भी आप देखते हो भारत के संविधान में अनुच्छेद 72 आपको दिखाई देता है कि भारत के राष्ट्रपति को ये अधिकार है, क्षमादान शक्तियां हैं कि वो क्या कर सकते हैं, वो किसी भी मृत्यु दंड को माफ कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर लॉर्ड वेवेल ने अपने विशेषाधिकारों का प्रयोग किया और उनके मृत्यु दंड की सजा को माफ करा दिया गया, उनका मृत्यु दंड कैंसिल करा दिया गया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत थी, किस प्रकार से लोगों ने, ठीक है, किस प्रकार से भारत के लोगों ने विरोध के साथ, ठीक है, एकता के साथ अपने निर्णय को बदलने पर मजबूर किया अंग्रेजों को। अभी 1:30 बजे आप लोग आएंगे, 1:30 बजे हम लोग लक्ष्मीकांत का जो सेशन कर रहे हैं, आज इसका तीसरा सेशन है, और आज हम बात करने वाले संविधान के विशिष्ट लक्षण। और मैं आपसे ये बता दूं कि यहां से मेंस में क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं ये अभी हम लोग देखेंगे 1:30 बजे वाले सेशन में। जब आप लक्ष्मीकांत उठाते हो तो आप लोग सीधा सीधा पढ़ लेते हो कि भारत के संविधान की विशेषता है कि यहाँ पर संघीय व्यवस्था है, यहाँ पर सबसे बड़ा संविधान है, आप यहाँ पर पढ़ लेते हो कि त्रिस्तरीय सरकार है, फलाना फलाना। लेकिन अभी आप लोग देखोगे इसको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ना है, इसका मेंस में यूज कैसे करना है, इसको सीधे सीधे रटना नहीं है बस। ठीक है, तो 1:30 बजे आप लोग जरूर आना, 1:30 बजे हम लोग लक्ष्मीकांत में, ये तीसरा सेशन हमारा जो आज है, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि डेली 1:30 बजे वाले सेशन को अटेंड करिए, नहीं तो लक्ष्मीकांत को पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। भाई इतनी मोटी किताब पढ़ते हो और उस मोटी किताब को पढ़ के इतना टाइम, इतना एनर्जी वेस्ट करते हो, तो उसका फायदा भी तो मिलना चाहिए ना। और अगर फायदा नहीं मिलेगा, फायदा नहीं उठा सकते, तो पढ़ना फिजूल है, फेंक दो उस किताब को। तो 1:30 बजे आइए, 1:30 बजे मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से इसका यूज करना है। तो इसके बाद इनके मृत्युदंड की सजा भी माफ हो गई और आजाद हिंद फौज, मैंने आपको पूरा क्लियर भी कर दिया, ठीक है, कि किस प्रकार से भारत में आजाद हिंद फौज के हमने 2 चरण देखे। भारत के बाहर इस सेना की, इस संगठन की स्थापना हुई, और इस संगठन की स्थापना 2 चरणों में हुई, पहले हुई लेकिन मतभेद होने के कारण भंग हो गई, फिर नेताजी के नेतृत्व में, और नेताजी से जुड़ी हुई भी बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से सुभाष बोस जो थे उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान दिया। पूरा के पूरा मैंने आपको एक जीवनी बता दी, जिन लोगों का छूट गया, जो बाद में आए हैं वो रिकॉर्डेड सेशन देख लें, ठीक है, वो रिकॉर्डेड सेशन में देख लें, मैंने पूरी जीवनी आपको ऑलमोस्ट नेताजी की बताई। बाद में पता चला कि एक विमान दुर्घटना में नेताजी की मृत्यु हो गई। सरकार ने जब आजाद हुआ भारत तो 2 आयोग गठित किए और दोनों आयोग ने बताया कि हाँ नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, पर एक तीसरा आयोग आया जिसने ये बताया
कि नेताजी की दुर्घटना नहीं हुई थी, विमान दुर्घटना में मृत्यु, अभी भी आज भी ये एक रहस्य बना हुआ है कि नेताजी की मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि कई बार लोगों ने अलग अलग दावे किए हैं कि इनको अलग अलग भेष में देखा गया है, कभी सन्यासी के भेष में, कभी किस भेष में, और अभी भी ये चीज क्लियर नहीं है, ठीक है, कि नेताजी की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी या नहीं हुई थी, एक रहस्य बना हुआ है अभी भी। अब हम लोग बात करेंगे कल के एमसीक्यूज के बारे में। कल के एमसीक्यूज 5 क्वेश्चन, उससे पहले आप लोग एक क्वेश्चन करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं। 1945 में, ये क्वेश्चन ऑफ द डे, 1945 में आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन अपने स्वरूप में राष्ट्रव्यापी होने के साथ साथ भारतीयों के मध्य एकता की पुष्टि का प्रतीक भी बना, चर्चा कीजिए। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लो, क्वेश्चन ध्यान से देख लो। 1945 में आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों के समर्थन में चलाया गया आंदोलन, जो आजाद हिंद फौज के युद्ध बंदियों के समर्थन में आंदोलन अभी बताया चलाया गया था, वो अपने स्वरूप में राष्ट्रव्यापी होने के साथ साथ भारतीयों के मध्य एकता की पुष्टि का प्रतीक भी बना। ये आपको आंसर लिखना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को लिखना है। और अब एमसीक्यूज का टाइम है, लाइक शेयर जरूर करिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। फीडबैक में कमेंट भी दीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर भी लिखिए, ठीक है। अब हम लोग आज के कल के एमसीक्यूज के बारे में, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी जल्दी आंसर देना है फटाफट। फर्स्ट क्वेश्चन, अगस्त प्रस्ताव, कल मैंने आपको बताया था अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को प्रस्तुत हुआ था। बताना है आपको कि 8 अगस्त 1940 को जो अगस्त प्रस्ताव पेश हुआ था वो किसके द्वारा पेश किया गया था। अगस्त प्रस्ताव को पेश करने वाला वायसराय कौन था, ठीक है, अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था। फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी जल्दी आंसर दे दे फटाफट। अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला वायसराय कौन था, जल्दी जल्दी आंसर दो भाई, जल्दी जल्दी सबके सब आंसर दो फटाफट। अभी 1:30 बजे फिर से हम लोगों को क्लास करनी है। अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाला वायसराय, बिल्कुल सही, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो इज द करेक्ट आंसर। यही उस समय वायसराय हुआ करता था और इसी ने अगस्त प्रस्ताव पेश किया था जो मैंने कल बताया था। अगला क्वेश्चन, 1940 में कांग्रेस ने जो व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था, 1940 में, कल मैंने बताया था आपको, बताना है पहला सत्याग्रही कौन था। 1940 में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह कांग्रेस ने किया था आपको बताना है इसका पहला सत्याग्रही कौन था। पहला सत्याग्रही कौन था 1940 में कांग्रेस के व्यक्तिगत सत्याग्रह का, ये क्वेश्चन कई सारी एग्जाम में पूछा गया है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो आंदोलन भी बोलते हैं, ठीक है, आप सबको पता होगा दिल्ली चलो आंदोलन भी इसको कहा जाता है, दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी इसको जाना जाता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही आंसर है विनोबा भावे। दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू, पहले थे विनोबा भावे भूदान आंदोलन वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन, 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था भारत, आपको बताना है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन जो 1942 में भारत आया था आपको बताना है क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे, अब ये आंसर आपको फटाफट देना है, जल्दी जल्दी आंसर दो और रिवीजन लगातार करते रहो दोस्तों, रिवीजन लगातार करते रहो। यूपीएससी की एग्जाम इज नथिंग बट द रिवीजन ऑफ होल द सिलेबस, जितना आप रिवाइज करोगे, जितना आप बार बार पढ़ोगे उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे क्रिप्स मिशन के साथ, ये दो नाम थे, एक नहीं दो नाम थे कांग्रेस की तरफ से क्रिप्स मिशन के साथ बात करने वाले,
दो लोग कौन थे? एक पंडित नेहरू, बिल्कुल सही, और दूसरे मौलाना आजाद। मौलाना अबुल कलाम आजाद दो हैं। जब क्रिप्स मिशन 1942 में स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था, तो कांग्रेस ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को और मौलाना अबुल कलाम आजाद को क्या किया था? इस संगठन इसके साथ में बात करने के लिए नियुक्त किया था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 अगस्त 1942, ठीक है, को भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति का प्रस्ताव पारित हुआ था, कल ही बताया था, यहीं से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होती है। बताइए 9 अगस्त को किस ऑपरेशन के तहत सारे नेताओं को, बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया गया था? 9 अगस्त 1942 को किस ऑपरेशन के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सारे प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया था? अगस्त क्रांति की शुरुआत 8 अगस्त 1942 से मानी जाती है। आपको बताना है कि अगले ही दिन सुबह सुबह जब सभी नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो कौन से ऑपरेशन के तहत किया गया था? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऑपरेशन? वेरी गुड, क्या बात, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही, मास्टर होते जा रहे हो आप लोग। करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन जीरो आर। देखो इसी प्रकार से तैयारी करते रहोगे ना, बस रिवीजन करते रहो, तो आप लोगों का जल्दी ही कुछ ना कुछ सिलेक्शन हो जाएगा। ऑपरेशन जीरो आर इज द करेक्ट आंसर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। हमने देखा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में कुछ समानांतर सरकारें बनी थी। सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार कौन सी थी? 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार का दौर चल रहा था, तब अलग-अलग जगह समानांतर सरकारों की स्थापना, ठीक है, हुई थी अलग-अलग जगह। हमें ये बताना है सबसे लंबी चलने वाली समानांतर सरकार कहाँ की थी? कीप गोइंग, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट। देखो सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में पहली समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे लंबी चलने वाली सरकार थी सतारा की। किसकी? सतारा की। जैसा कि मैं आंसर देख पा रहा हूं कमेंट बॉक्स में आप लोगों के, बहुत बढ़िया, आप में से कई सारे लोगों का आंसर सही है। सतारा की जो सरकार थी वो सबसे लंबी चलने वाली सरकार बनी थी महाराष्ट्र में। चलिए अब मैं आप लोगों से बोल रहा हूं कि आज का हमारा ये सेशन कंप्लीट हो गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और 1:30 बजे मैं आपसे फिर से बोल रहा हूं, जाते जाते 1:30 बजे वाला सेशन मिस मत करिए, आपको प्रॉब्लम होगी बाद में, क्योंकि इस सेशन में आपको ये समझ में आ जाएगा लक्ष्मीकांत से कैसे नंबर लाते हैं, ठीक है। एक ही किताब को पढ़कर कई सारे लोग नंबर नहीं ला पाते, कई सारे ले आते हैं, तो नंबर कैसे लाए जाते हैं लक्ष्मीकांत से, तो 1:30 बजे वाला सेशन मिस मत करिए, ठीक है। मेंस में बहुत काम आएगा सेकंड पेपर में आपको, ठीक है, सेकंड पेपर में बहुत काम आएगा आपको। तो 1:30 बजे हम लोग फिर मिलेंगे। और अगर आप लोग अनअकैडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं, जैसे आप अभी यहां पर मुझसे पढ़ रहे हैं, दूसरे एजुकेटर से पढ़ रहे हैं, इसको और अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, व्यक्तिगत मार्गदर्शन चाहते हैं, पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, पूरी तैयारी आप हमारे साथ करना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि इसकी क्वालिटी आपने देखी है, कई सारे आपके ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से काफी बढ़िया क्वालिटी है, तो आप लोग सीके लाइव रेफर कोड को यूज कीजिए। और कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होता, 43,200, ये आपके करियर और यूपीएससी जैसी एग्जाम के लिए कुछ भी नहीं है। इसको आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए, फिर मिलेंगे 1:30 बजे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।